लखनऊ में अमीरुद्दौला इस्लामिया कॉलेज में कायदे मिल्लत डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी की जन्मतिथि पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस कार्यक्रम में पीपल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आजमी, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी मौजूद रहे। पूर्व सांसद इलियास आजमी ने कहा कि बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में मजलूमों के लिए आवाज उठाने वाला डॉक्टर फरीदी जैसा लीडर अब तक पैदा नहीं हुआ है और मुसलमानों को डॉक्टर फरीदी जैसी शख्सियत की ही पैरवी करनी चाहिए। तारिक समीम साहब ने ये मसला उठाया कि हमारा कोई आइकन आखिर क्यों नहीं है, जिन राजाओं का कभी नाम नहीं सुना गया, किसी न किसी बिरादरी ने उसको अपना कर अपना आइकन बनाई के काम शुरू किया। और जिसके राजा नहीं, बादशाह बादशाह नहीं, शहंशाह की गिनती नहीं की जा सकती, ये खुशी की बात है कि उन शहंशाहों में न इस्लाम का ये मर्जी थी और न मुसलमानों ने कभी उनको आइकन अपना माना। अभी रोजाना बात होती है तो मेरा यही कहना है कि जब तक जिस तरह दलितों ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आइकन मान के काम शुरू किया, एक दूसरे के मुखालिफ 20 तंजीमें हैं लेकिन 20 डॉक्टर अम्बेडकर से शुरू करके और डॉक्टर अम्बेडकर पर ही ख़त्म करती हैं, उसी तरह मुसलमानों के आइकन डॉक्टर फरीदी के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि कोई राजा बादशाह या शहंशाह हमारा आइकन हो ही नहीं सकता और न कभी पूरी तारीख में, बनु उमैया का दौर बहुत तवील था, 100 साल था, लेकिन पूरे दुनिया में फैला हुआ था उस वक्त की जो दुनिया जानी जाती थी, लेकिन अगर आइकन बने तो उमर बिन अब्दुल अजीज बने जो बादशाह के बजाय, जिनको 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है, जिनको 2.5 साल का कुल मौका मिला। इस पार्टी के डॉक्टर अयूब ने डॉक्टर फरीदी की मिसाल देते हुए कहा कि अगर मुसलमानों को आज उनके जैसा लीडर मिले तो उसके साथ चलना कौम का फर्ज बनता है। एक लफ्ज है गैरत, कहा जाता है कि गैरत ईमान की दलील है। अल्लाह गयूर है, गैरतमंद को पसंद करता है। जिस दिल में गैरत नहीं वहां ईमान नहीं है, वहां रब नहीं है। डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी की गैरत का एक वाकया जो मेरे जैसों के दिल में छपा और उनकी अजमत में सर झुकाया कि वो कितने अजीम शख्सियत थे, कि सोशलिस्ट पार्टी के उस इजलास में उन्हें बुलाया गया, डॉक्टर साहब ने ये कहा, राष्ट्रीय अधिवेशन था, सारे वर्कर्स जमा थे, बड़ा जलसा था पटना में, डॉक्टर साहब ने लोहिया साहब से, चरण सिंह जी से और जो भी उस वक्त के कर्पूरी ठाकुर और जितने भी सोशलिस्ट लीडर रहे, उन मुंतजमीन से कहा कि मुसलमानों को हमें अपनी इस पार्टी से जोड़ने में आसानी होगी अगर कुछ बैनर उर्दू में लगा दें आप, मुस्लिम मोहल्लों में, फुलवारी शरीफ से लेकर के और अंसारी साइंस कॉलेज तक जो पटना में, और प्रोग्राम की सुबह डॉक्टर साहब बाद नमाज चाय वाय पी करके रिक्शे पर वो निकले और जिन इलाकों की निशानदेही किया था कि यहाँ बैनर लगा दीजिएगा इस्तकबालिया इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, वहाँ एक भी बैनर उन्हें मिला नहीं। गालिबन 11 बजे अपने कुछ मुसाहिबीन के साथ जलसेगाह में डॉक्टर साहब पहुँचते हैं तो उस जमाने में जमीन पर बैठने की ज़्यादा रवाज था, अब तो कुर्सियाँ चल गई हैं और 2 या 3 फुट ऊंचा स्टेज होता था, ये सब जो हम लोगों की उम्र के हैं वो सब देखे हैं। तो जहां सबके जूते जो डाइस पर बैठे मंच पर बैठे लोग थे, जहां जूते उतरे थे, डॉक्टर साहब अपने साथियों समेत वहां पहुंचे हैं और उन्होंने मजमे पे तायराना निगाह डाली। उससे पहले उन्होंने शहर में देखा कि बैनर नहीं मिला तो वहां पहुंच करके एक निगाह डाली और जूते जहां उतरे हुए थे उन्हीं जूतों के ऊपर शेरवानी समेत डॉक्टर साहब बैठ गए।
वहां बैठे मजमे में जो लोग थे स्टेज पर बैठे जो जिम्मेदारान थे वो उठ के आए कि डॉक्टर साहब आप यहाँ आइए, आपकी जगह हमारे दिल में है, आप हमें रुसवा ना करें, ये जगह आपकी नहीं है। डॉक्टर साहब ने माइक तलब किया और दो तीन बातें कह के बात खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने वाले लोगों का, सोशलिस्ट पार्टी के जिम्मेदारान का, कि उन्होंने 47 के बाद के हालात में मुझे और मेरी कौम की मेरी असली जगह बताई। लिहाजा जहां मेरी कौम है मैं वहीं बैठूंगा, मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे। और फिर अफरा तफरी का माहौल बच गया और ये बात कहे और डॉक्टर साहब वहां से चले गए। ये थी डॉक्टर फरीदी की मिल्ली गैरत। हमारे पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, तलाश कीजिए कि इस तरह की गैरत का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर किसी को किसी के अंदर मिल जाए तो उसके साथ चलने में, उसका साथ साथ देने में, देना अपना फर्ज समझना चाहिए हम सबको।